This is a daily math problem, May 4th, and this is a question based on this goes into permutation combination topic, but not exactly. You know, we apply the concepts of permutation combination. But different question है, तो बड़ा common sense होने वाला question है. I will say tricky question है. I will not say difficult, लेकिन tricky है. घर बैठ के तो कर पाएंगे, एग्जाम में थोड़ा डिफिकल्ट होगा. तो यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं. क्या क्वेश्चन ये है कि x1, x2, x3, x4, दीज आर यू नो के डिवाइजर्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर एन. कोई पॉजिटिव इंटीजर एन है, उसके डिवाइजर्स है, जिससे यू नो उसके मल्टीपल्स कह सकते हैं, डिवाइजर्स कह सकते हैं उसके. और सच दैट कि इनका सम 75 है, डिवाइजर्स का सम 75 है. वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स. वी हैव टू फाइंड 1/σxi, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स. आई वेरीज फ्रॉम 1 to k. रेसिप्रोकल्स, डिवाइजर्स के रेसिप्रोकल्स का सब निकालना है. तो क्वेश्चन ऐसे देखे तो आइडिया नहीं लगेगा, पर एग्जाम्पल से देखते हैं. जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, 35 ले लिया. 35 के डिवाइजर्स क्या होंगे? 1 है. इसके फैक्टर्स निकालने हैं, मल्टीपल्स निकालने हैं इसके, राइट. 35 को क्या, 35 क्या होता है? 7 × 5. 35 इज नॉट द, तो अच्छा नंबर, बेटर नंबर ले लेते हैं. जैसे 36, 32 ले लेते हैं. 32 के डिवाइजर लेने, 1 है, राइट. फिर 2 से डिवाइड किया तो 16 आ गया. 2 है, फिर 4 भी है. 4 × 8 × 4, 32 हो गया. 4 है, फिर इसका 8 है, 8 × 4, 32, राइट. 16 × 2, 6, 32, वो भी डिवाइजर है इसका, और 32 है ये, है राइट. तो इसके ये डिवाइजर्स हैं कि 1 से भी डिवाइड होता है, या 2 से भी डिवाइड होगा. 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इंटीजर आना चाहिए, 16 आ रहा है. 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 8 आ रहा है. 8 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 4 आ रहा है, 16 आ रहा है. तो ये इसके डिवाइजर्स हैं. अब डिवाइजर्स आने के बाद मैं पैटर्न देखना क्या है. मैं फर्स्ट डिवाइजर देखता हूँ, लास्ट देखता हूँ, उनका प्रोडक्ट क्या है. 32, राइट. 1 × 32 इज 32. अभी देखो, विच इज़ द सेम एज अ नंबर. अब सेकेंड और सेकेंड लास्ट देखो क्या है. 16 × 2, 2 × 16, अगेन 32, विच इज़ अगेन नंबर, जो भी नंबर है ना, समझो. सेम वे अब थर्ड देखा हमने, 8 × 4 × 8, 32. तो यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है. अब देखो, मैं x1 × लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट, एक्स के इज इक्वल टू एन, ये रिलेशनशिप बन रही है. ऐसे ही x2 × xk − 1, अगेन एन. x3 × xk − 2 इक्वल टू एन, ये रिलेशनशिप हमने बनाई है. फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर बन जाएगा. सेकेंड और सेकेंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर बन जाएगा. थर्ड और थर्ड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर एन बन जाएगा, जिसके डिवाइजर ले रहे हैं. तो ये पैटर्न है. तो आप अगर 64 लेके देख लो आप, राइट. तो राइट, तो 64 ले नहीं लेना, तो आपने कुछ और ट्राई कर लेते हैं. मे बी 81 ले लेते हैं. 81 सो 81 में से 1 लिया हमने, फिर 3 लिया, 9 × 9 = 81 है. फिर यू नो देन 81 में फिर आ गया इसका 27 आ गया, और फिर 81 आ गया, राइट. तो अब देखो, यहाँ भी वही एक ही बात बनेगी. इसको इनको मल्टीप्लाई कर, 81 आ गया फर्स्ट, फिर 81 को 3 और 27 को मल्टीप्लाई किया, 81 हो गया. अब जो ऑड नंबर और डिवाइजर्स हैं, इस बार ऑड नंबर में आप देखो कि मतलब अब 9 को फ़र्क नहीं पड़ता. 9 को भी अब 9 × 9 = 81 ऐसे लिख सकते हैं. जो अगर x3 है, x3 को हम, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि x3 × x3 = 81, ये बात आ रही है, तभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है. हम ये प्रॉपर्टी कहना चाह रहे हैं कि हम x1 को xk से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा n बन रहा है. वो प्रॉपर्टी तभी सेटिस्फाई हो जाएगी. मतलब कि मैं ऐसे रिप्लेस करना चाहता हूँ, x1 को रिप्लेस कर दूंगा n/xk. कर लेते हैं, डोंट वरी, इसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी. x3 में 9 × 9 = 81, खुद को खुद से मल्टीप्लाई कर 81 आ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमारी. तो मैंने ऑड वाले की ऑड डिवाइजर्स भी दिखा दिया आपको, इवन भी दिखा दिया. तो अभी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा. मुझे ये मेरा सिग्मा है, राइट. ये क्या है, क्या ये 1/x1 + 1/x2 गोज ऑन +1/x3, और ये लास्ट में 1/xk है. तो मैंने 1/x1 को रिप्लेस कर दिया. 1/x1 क्या होगा? n xk/n, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी. मैंने x1 को रिप्लेस कर दिया n/xk, या यहाँ से क्या आ गया, 1/x1 क्या आ गया, 1/x1 आ गया xk/n. ये रेसिप्रोकल है, इसलिए. ऐसे x2 को रिप्लेस किया मैंने xk-1, सेकेंड लास्ट डिवाइजर, डिवाइड बाय n,
सेम वे थर्ड लास्ट डिवाइजर डिवाइड बाय एन गोज ऑन, इसको रिप्लेस कर दिया फर्स्ट डिवाइजर डिवाइड बाय एन, ये आ गया, इस तरह से रिप्लेस कर दिया। अगर कोई यहाँ पे वन बाय एस एस, यहाँ पे वन बाय एक्स थ्री होता इसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आप वन बाय एक्स वन होता, वन बाय एक्स टू होता, वन बाय एक्स थ्री, वन बाय एक्स फोर, वन बाय एक्स फाइव, तो यहाँ पे आप रिप्लेस कर देते इसको किससे, इसको रिप्लेस कर देते यू नो नीचे 81 आ जाता और यहाँ पे एक्स फाइव आता, यहाँ पे एक्स फोर आता और यहाँ 81 आता। यहाँ पे एक्स थ्री में क्या आता, आप एक्स थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, एक्स थ्री से मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो वही बात बन जाती ना, एक्स थ्री डिवाइड बाई एक्स थ्री स्क्वायर, और इसको फिर हम 81 रिप्लेस कर देते तो वही बात आ गई, बात तभी बन जाएगी। तो ऑड नंबर से फ़र्क नहीं पड़ रहा। फिर यहाँ पे मैंने करता है इसको मैं एक्स टू डिवाइड बाई 81 और एक्स वन डिवाइड बाई 81, ये आ गया सेम चीज़ यहाँ आ गई। इससे अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नाउ आई कैन टेक यू नो डिनोमिनेटर कॉमन एन, न्यूमरेटर इज सिग्मा ऑफ एक्स आई आ गया, आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन, वन टू के, और सिग्मा ये हमें गिवन है क्वेश्चन में 75, 75 बाय एन, सो आंसर इज 75 बाय एन। तो मेन जो देखना था कि डिवाइजर में जो रिलेशनशिप थी फर्स्ट लास्ट डिवाइजर का प्रोडक्ट जो नंबर बन रहा है वो, दो इट्स अ कॉमन थिंग बट जनरली वी डोंट ऑब्जर्व दिस, फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वी हैव टू ऑब्जर्व दिस पैटर्न। इफ यू राइट ऑल द डिवाइजर्स यू नो इन द असेंडिंग ऑर्डर, वी हैव दिस प्रोडक्ट फर्स्ट एंड लास्ट दिस इज थोड़ा ये असेंडिंग ऑर्डर वाला फंडा लिखा होना चाहिए कि दे आर इन असेंडिंग ऑर्डर, बट सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में नहीं भी है तो करस्पॉन्डिंग फाइंड करके आप उसको ऐसे करना है आपने, तभी चल जाएगा। हमने समझा समझा असेंडिंग ऑर्डर बट नॉट नेसेसरली इन असेंडिंग ऑर्डर।